जानते हैं कुछ ऐसे फूड जो अक्सर हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो इन्हें आप या तो बिल्कुल बंद कर दें या बहुत ही लिमिटेड खाएं। तो नंबर एक है ब्रेड। ब्रेड एक बहुत ही कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम है। व्हाइट ब्रेड तो मैदे से बनती ही है, लेकिन जो ब्राउन ब्रेड है या होल ग्रेन ब्रेड भी जो मार्केट में मिलती है, उसके अगर आप इनग्रेडिएंट्स देखें तो बहुत थोड़ा सा ही होल ग्रेन होता है, बाकी ज्यादा उसमें भी मैदा ही मिक्स होता है। सुबह सुबह मैदा खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सिर्फ मैदा ही नहीं, ब्रेड को बनाने के लिए रिफाइंड तेल, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। अगर आप घर पर ब्रेड बनाओ तो वो एक दिन के बाद खाने लायक नहीं रहती, लेकिन यह कमर्शियल ब्रेड बिना फ्रिज के भी हफ्ता चल जाती है। और शायद ये बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि जो ब्राउन ब्रेड होती है उसको ब्राउन करने के लिए कलर डाला जाता है। अक्सर ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है INS 150A, जो है डार्क ब्राउन कलर, जो चीनी को गर्म करने से प्रोड्यूस होता है। इसलिए ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड दोनों की ही छुट्टी कर लें। बाकी हमारे देश की रोटी ब्रेड की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, तभी तो इसे इंडियन फ्लैट ब्रेड कहते हैं। दूसरी चीज है जैम। ब्रेड के साथ साथ जैम भी भारत में बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम्स बन गई है। खासकर बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे हेल्दी रहें, तो इस मिक्स फ्रूट जैम को आज ही खाना बंद कर दें। वो इसलिए क्योंकि इस जैम का पहला इंग्रेडिएंट ही है चीनी, और चीनी भी ऐसी जो केमिकल्स और सल्फर से धोई जाती है। ऊपर से इसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी डाले जाते हैं। किसी भी फ्रूट की जैम बड़ी आसानी से घर पर देसी खांड या धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है, और बिना प्रिजर्वेटिव के आप उसे एक महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां तो हेल्दी जैम भी बनाने लगी हैं, आप चेक करके उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह ये कमर्शियल जैम का नाश्ता करना तो चीनी का नाश्ता करने के बराबर है। रेगुलरली अगर आप ब्रेड जैम का नाश्ता करेंगे तो समझ लीजिए कि बीमारियां आने वाली हैं, इसलिए आज से ही बंद करें। तीसरी चीज है फ्राइड फूड। ब्रेकफास्ट में जब बॉडी को न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो अगर हम छोले भटूरे और कचौरी जैसी चीजें खाएंगे तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखें तो भटूरे एक तो मैदे से बनते हैं और ऊपर से डीप फ्राइड होते हैं, और बाहर आप कहीं खा रहे हैं फिर तो वो तेल भी इतनी बार यूज करते हैं कि बिल्कुल काला कर देते हैं। जब भी ऑयल हीट होता है तो उसमें ट्रांसफैट बनने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। ऐसा ब्रेकफास्ट मोटापा लाएगा और हार्ट ब्लॉकेज भी करेगा। पूरी, भटूरे और कचौरी जैसी चीजें आपको बहुत कम करने की जरूरत है, और जब खाएं तो ध्यान रखें कि ऑयल को रीयूज ना करें। अगली चीज है म्यूसली। म्यूसली एक बहुत ही लोकप्रिय ब्रेकफास्ट है लोगों के बीच में। बहुत लोग इसे दूध में डालकर हेल्दी ब्रेकफास्ट समझकर खाते हैं, और यह बात सच भी लगती है क्योंकि इसमें नट्स, फ्रूट्स और मल्टीग्रेन डाले जाते हैं। लेकिन यह तो हुई ऊपर ऊपर की बात, सच यह है कि जो इसमें मल्टीग्रेन डाले गए हैं उनकी अच्छी खासी प्रोसेसिंग की जाती है। दूसरा, इसमें रिफाइंड क्रिस्टल चीनी की क्वांटिटी बहुत हाई है, सिर्फ एक सर्विंग में 2.5 चम्मच चीनी है। तीसरा ये कि इसमें फ्लेवर भी आर्टिफिशियल डाले गए हैं। किसी भी ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल को जज करने का इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है उसका फाइबर कंटेंट। अगर आप किसी भी म्यूसली के फाइबर को देखें तो 100 ग्राम में सिर्फ 5 ग्राम फाइबर है। वहीं अगर आप नॉर्मल फ्लेवर्ड ओट्स का पैकेट देखें तो उसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम फाइबर होता है। अब अगर म्यूसली में सच में इतने मल्टीग्रेन फूड्स और नट्स हैं तो इतना कम फाइबर क्यों? बात वही है, चीजें रिफाइन करके डाली जाती हैं। तो क्या जरूरत है इसे खाने की जब अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आप यह तो सोच लें कि म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स और चोको जैसे कुछ भी मार्केट से ना खरीदें, बल्कि जो अनफ्लेवर्ड सीरियल्स हैं जैसे कि रोल्ड ओट्स, स्टील कट ओट्स या मिलेट फ्लेक्स का यूज करें। इन्हें दूध में डालकर इसमें अपने फेवरेट नट्स डालकर खुद बहुत ही पौष्टिक ब्रेकफास्ट आप बना सकते हैं। इससे आपको भरपूर फाइबर मिलेगा जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं होगा और पेट भी लंबे समय तक फुल रहेगा। नेक्स्ट है रेडी टू ईट मील्स, जैसे 3 मिनट उपमा। आजकल बहुत सारी कंपनियों के रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट फूड भी पैकेट में मिलने लगे हैं, फिर चाहे उपमा हो या पोहा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये रिफाइंड ग्रेन होता है जिस वजह से फाइबर की क्वांटिटी सफिशियंट नहीं होती। उससे भी ज्यादा नुकसानदेह है इनका तेल। पाम ऑयल जैसे घटिया रिफाइंड तेल इनमें डाले जाते हैं, बहुत ही थोड़ी सी वेजिटेबल्स होती हैं और फ्लेवर भी आर्टिफिशियल। आप किसी कंपनी का इंस्टेंट डोसा मिक्स ही देख लो, इसमें भी मैदा डाला गया होता है, उत्पम में भी मैदा है और रवा इडली में भी मैदा है। सुबह सुबह अगर हम इसे खाकर सोचें कि हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया है तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है। अक्सर जल्दी के चक्कर में हम यह सब खरीदते हैं, लेकिन यह हर हालत में अवॉइड करने की जरूरत है। इससे तो बेहतर है कि 2 केले खाकर आप ऑफिस चले जाएं। वैसे पोहा, उपमा और डोसा बहुत ही इजिली घर पर 5 मिनट में बन जाता है। इसी तरह अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं तो मसाला ओट्स का पैकेट ना लें, इनफैक्ट नॉर्मल ओट्स लेकर खुद पर फ्रेश सब्जियों से ही बनाएं। नेक्स्ट है पीनट बटर। अक्सर लोग ब्रेड पर तेल या पीनट बटर लगाकर ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तेल में 13% ही हेजल नट्स होते हैं, बाकी तो रिफाइंड चीनी और रिफाइंड ऑयल ही होता है। तेल का तो सबको पता ही है, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला पीनट बटर, जिसे हम लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, उसमें चीनी के अलावा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर आप खाएं तो हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांस
चांस बहुत बढ़ जाते हैं और वो है हाइड्रोजन। जब रिफाइंड तेल में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तब यह ऑयल बनता है और डाला जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि पीनट बटर लंबे समय तक खराब ना हो। पीनट बटर रोस्टेड पीनट को मिक्स करके घर पर आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट से भी खरीदना चाहते हैं तो ऐसा पीनट बटर ही लें जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट हो और वो है पीनट। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद की माने तो ब्रेकफास्ट आपको राजा की तरह खाना चाहिए, क्योंकि राजा के पास धन की तो कमी नहीं होती, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते पाचन क्रिया मंद हो जाती है। इसलिए राजा चुन के ऐसा ब्रेकफास्ट खाता है जो ना कि बहुत हैवी हो लेकिन न्यूट्रिशन भरपूर मिले। तो ब्रेकफास्ट में आप फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स और फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके अपनी जगह के हिसाब से जो भी ऑथेंटिक रेसिपीज हैं उन्हें बनाइए और खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।